हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ इज राजीव रस्तोगी और स्टूडेंट मुझे आरआर सर के नाम से जानते हैं। मैं पिछले 21 ईयर से टीचिंग फील्ड में हूँ, जिसमें से लास्ट के जो 12 ईयर्स है मैंने वो कोटा में ही पढ़ाया है। और स्टार्टिंग के जो 2-3 साल थे 2008 से 2011 वाला जो पीरियड था, उसमें मैं बंसल क्लासेस में एज ए सीनियर फैकल्टी वर्क किया है मैंने। और उसके बाद के जो 7 ईयर्स हैं उसमें मैं एलन कैरियर इंस्टीट्यूट में एज ए सीनियर मोस्ट फैकल्टी मैंने वर्क किया है। और बाद के जो 3 साल हैं उसमें मैं न्यूक्लियस एजुकेशन से एसोसिएटेड रहा हूँ। बट ड्यू टू कोविड-19 इस टाइम जो क्लासेस जो हैं ऑफलाइन वो चल नहीं पा रही हैं, तो बच्चों का टच ज़्यादा मिल नहीं पा रहा है। वह टीचर होने का नाते बस यही है कि अपन ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों से इंटरेक्ट करना चाहते हैं, बच्चों के टच में बने रहना चाहते हैं। तो मैंने यही प्लान किया है कि अब बच्चों के टच के लिए मैं अपना एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर रहा हूँ और बच्चों को जो भी प्रॉब्लम्स आएंगी उसको अपने चैनल के थ्रू रिजॉल्व करूँगा। तो यहाँ पर मैं कैलकुलस अपना स्टार्ट कर रहा हूँ यहाँ पर, और मैं नियर अबाउट हर दिन कुछ ना कुछ वीडियोस वगैरह बनाकर अपलोड करता रहूँगा। मेरी कोशिश यही रहेगी कि जैसे कि बच्चे ऑफलाइन में टीचर से पढ़ते थे, इंटरेक्ट करते थे, उनको जैसा समझ में आता था, फील आता था, कुछ ऐसी कोशिश है हमारी कि बच्चों को ये फील ना आए कि हम ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, उनको यही लगे कि हाँ सर की बात इतने अच्छे से समझ में आ रही है कि लग रहा है कि सर हमारे सामने बैठे बैठे हैं और हमको पढ़ा रहे हैं, है ना। चलिए अपन अब कैलकुलस का पहला टॉपिक अपन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक इज लिमिट। तो लिमिट के बारे में कुछ इंट्रोडक्टरी बात कर लेते हैं, है ना। नोशन ऑफ लिमिट is one of the most useful and fundamental idea that distinguishes calculus from algebra and geometry means notion of limit। यानी ये जो limit का जो concept है ये calculus की branch को algebra और geometry से different बनाता है। अब different कैसे बनाता है, जैसे geometry में हम लोगों ने thousands of problems solve की थी 9th-10th में, कुछ बच्चों ने olympiad वगैरह preparation भी किया होगा। तो हमने ये देखा था जैसे ट्रायंगल पे कुछ एलिमेंट्स गिवन हैं, कुछ एलिमेंट्स अननोन हैं, जैसे किसी अननोन एंगल पर अपन एंगल चेजिंग कर रहे हैं, तो कभी भी ऐसा सीन नहीं आया कि यार एंगल हम ए निकालना चाहते हैं और एंगल रिजल्ट आता एंगल ए अप्रोचेस टू 60 डिग्री, ऐसा कभी नहीं हुआ। या कोई एंगल गिवन है, साइड लेंथ निकालनी है, साइन रूल लगाया, साइड लेंथ निकाली, तो कभी ऐसा सीन नहीं आया कि इसमें बोला साइड लेंथ जो है 5 को अप्रोच कर रही है। साइड लेंथ हमेशा फिक्स आई है, एंगल भी हमेशा फिक्स है, एक्यूरेट रिजल्ट मिले हैं। सिमिलरली अलजेब्रा की बात करें, बहुत सारी हमने पॉलीनोमियल इक्वेशंस को सॉल्व किया है, वहाँ पर जब हम लोग रूट्स निकालते थे तो ये बोलते थे सर इसके रूट 2 और 3 आ रहे हैं, या फिर क्यूबिक इक्वेशन है तो इसके 3 रियल रूट आ रहे हैं, या फिर 1 रियल 2 कॉम्प्लेक्स रूट आ रहे हैं, तो जो रूट आता था उसकी एग्जैक्ट लोकेशन हमको पता होती थी। लेकिन जो लिमिट में हम लोग कैलकुलस में जो लिमिट वाला पोर्शन पढ़ रहे हैं, तो लिमिट के थ्रू जो हम लोग कैलकुलस वाला पार्ट पढ़ेंगे इसमें जो कैलकुलेशन होगी वो एग्जैक्ट नहीं होती, ये थोड़ा सा लिमिटिंग वैल्यू, ये अप्रोचिंग वैल्यू होती है। तो यहाँ पर हम लोग ये नहीं बोलेंगे कि इसकी लिमिटिंग वैल्यू 5 होने का मतलब इस फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट पर 5 है, ये एक्चुअली वैल्यू कैसी होती है, अप्रोचिंग वैल्यू होती है, है ना। चलिए अब इस कंसेप्ट को और आगे बढ़ाने से पहले जो 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था हम उस पर बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, लिमिट ऑफ वॉट, मतलब लिमिट अपने को किसकी निकाल ली है, फर्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन, वाई एवेल्युएट लिमिट, यानी लिमिट निकालने की ज़रूरत ही क्यों पड़ी, क्या बिना लिमिट निकाले काम नहीं चल रहा था। थर्ड क्वेश्चन, हाउ टू एवेल्युएट लिमिट, यानी लिमिट को कैलकुलेट कैसे करते हैं। देयर आर 3 क्वेश्चन, पहला भाई है कि लिमिट ऑफ व्हाट, लिमिट किसकी निकालनी है। सेकेंड, वाई एवेल्युएट लिमिट, लिमिट निकालने की ज़रूरत ही क्यों पड़ी। थर्ड क्वेश्चन है हाउ टू एवेल्युएट लिमिट, लिमिट कैसे निकालते हैं, है ना। तो मेरे ख्याल से फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर तो बहुत ही ऑब्वियस है यार, कि किसकी लिमिट निकालनी है, लिमिट ऑफ फंक्शंस, लिमिट ऑफ फंक्शंस।
यानी हमको यहाँ पर फंक्शंस की लिमिट निकाली, जो फंक्शन हम लोग पढ़ के आए हुए हैं, जो हमारा पहला टॉपिक था। तो फंक्शन जैसे भाई एक्सपोनेंशियल फंक्शंस हैं, पॉलीनोमियल फंक्शंस हैं, अलजेब्रिक फंक्शंस हैं, लॉगरिथमिक फंक्शन हैं, इन सब की लिमिट्स निकालनी है, ठीक है ना। अब अगर अपन सेकेंड क्वेश्चन की बात करें, वाई एवेल्युएट लिमिट, लिमिट निकालने की ज़रूरत ही क्यों पड़ी, तो मैं इसके लिए ये बोलना चाहूँगा कि बहुत से ऐसे फंक्शंस होते हैं जो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर डिफाइंड नहीं होते। अब अगर वो फंक्शन किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर डिफाइंड नहीं है, लेकिन हम इंटरेस्टेड हैं कि उस पर्टिकुलर पॉइंट के नेबरहुड में फंक्शन का बिहेवियर कैसा है, उस पॉइंट के जस्ट राइट में फंक्शन किसको अप्रोच कर रहा है, उस पॉइंट के जस्ट लेफ्ट में फंक्शन किसको अप्रोच कर रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं कि अगर दोनों तरफ से, लेफ्ट राइट से दोनों तरफ से अगर फंक्शन सेम नंबर को अप्रोच कर रहा होता है, तो हम लोग उस पॉइंट पर जो फंक्शन की वैल्यू होती है उसको लिमिटिंग वैल्यू की तरह ट्रीट करते हैं, और प्रैक्टिकल पर्पस के लिए जो लिमिटिंग वैल्यू आती है उस पॉइंट के नेबरहुड में, तो उसको हम लोग पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू की तरह ही ट्रीट करते हैं, है ना। इसको भी अपन एक एग्जांपल से और अच्छे से डिटेल में समझाएंगे। थर्ड क्वेश्चन है अपना हाउ टू इवेल्युएट लिमिट, यानी लिमिट निकालने के मेथड्स क्या क्या हैं। तो देयर आर डिफरेंट स्ट्रेटजीज, वेरियस स्ट्रेटजीज टू इवेल्युएट द लिमिट, डिपेंड करता है कि लिमिट का टाइप क्या है। बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं लिमिट को कैलकुलेट करने के, एलजेब्रिक लिमिट्स के अलग मेथड्स हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट, एक्सपोनेंशियल लिमिट, लॉगरिथमिक लिमिट, और बहुत सारी लिमिट्स के अलग अलग अप्रोचेस मिलती हैं। तो जब क्लासेस जैसे जैसे आगे बढ़ती जाएगी, इसको हम आपको नए नए मेथड सिखाएंगे लिमिट निकालने के लिए। चलिए अब हम एक एग्जांपल कंसीडर करते हैं, जिससे थोड़ा बेसिक्स और क्लियर हो आपके। कंसीडर एन एग्जांपल, एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस फोर अपॉन एक्स माइनस टू। अब जैसा कि क्लियर है कि अगर मैं आपसे पूछूं f2 बताइए क्या है, तो जैसे मैंने x को 2 पुट किया, तो आप देख रहे हैं क्या हुआ, ऊपर भी 0 आ गया और नीचे भी 0 आ गया, और 0 बाई 0 क्या होता है, एक मीनिंगलेस क्वांटिटी होती है। तो यानी इट मींस कि हम लोग फंक्शन की 2 पर वैल्यू इवेल्यूएट नहीं कर पा रहे हैं, है ना। लेकिन अगर हम लोग इस फंक्शन को थोड़ा सा और प्रॉपर मैनर से इसको डिफाइन करें और 2 के नेबरहुड में फंक्शन की वैल्यू को टेस्ट करें, तो इसको मैंने फैक्टराइज कर लिया, x माइनस टू एक्स प्लस टू अपॉन एक्स माइनस टू, है ना। और अब एक केस बना लिया, इफ़ x नॉट इक्वल्स टू 2। अच्छा, अगर x 2 नहीं है, तो इट मींस x माइनस टू, ये जो नीचे नंबर दिख रहा है, ऊपर नंबर दिख रहा है, ये एक नॉन जीरो क्वांटिटी है, क्योंकि x 2 नहीं है तो ये नॉन जीरो नंबर है, और नॉन जीरो नंबर से नॉन जीरो नंबर अपन कैंसिल कर सकते हैं। तो जब x2 नहीं, तो फंक्शन सिंप्लीफाई होकर अपने पास क्या आ जाता है, x प्लस टू। दूसरा केस, अगर x को मैं 2 पुट करता हूँ, तो जैसा कि आपने ऊपर देखा था, जैसे 2 पुट करेंगे तो ये भी 0 बनेगा और ये भी 0 बन, न्यूमरेटर डिनोमेटर में दोनों में 0 आ जाएगा, तो मतलब ये क्या सीन बन जाएगा, नॉट डिफाइंड, मतलब फंक्शन जो है 2 पर डिफाइंड नहीं है। लेकिन 2 के अलावा आप कुछ भी पुट करेंगे, 2 के जस्ट आगे जाएंगे, जस्ट पीछे जाएंगे, फंक्शन डिफाइंड है। तो अब हम इस फंक्शन को और प्रॉपर तरह से टेस्ट करते हैं एक टेबल के थ्रू, और ये देखते हैं कि 2 के नेबरहुड में फंक्शन का बिहेवियर क्या आ रहा है। चलिए स्टार्ट करते हैं। 2 पर फंक्शन डिफाइंड नहीं है। अब अपन ये देखेंगे कि जब 2 पर डिफाइंड नहीं है, तो 2 के जस्ट पीछे फंक्शन का बिहेवियर क्या है, और 2 के जस्ट राइट में बिहेवियर क्या है। तो 2 के पीछे से 2 की तरफ चलते हैं। मैंने x को 1.8 ले लिया। अब आप देखिए, जब x 1.8 है, तो डेफिनेशन कौन सी यूज होगी, ये वाली ऊपर वाली, है ना। तो जब x को 1.8 लेगी, तो फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है, 3.8। ठीक है, थोड़ा और बढ़ाते हैं, 2 के और क्लोज जाते हैं। x को ले लिया मैंने 1.9, अभी भी यही डेफिनेशन यूज हो रही है, फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है, 3.9। x को ले लिया 1.99, दो बार 9 लगा दिया, फंक्शन की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3.99। और क्लोज चले जाते हैं, 1.999, 1 करोड़ 19 लगा दिया, तो फंक्शन की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3.999, 1 करोड़ टाइम्स 9 आ जाएगा, है ना। तो एक बार समझ में आ रही है कि यहाँ पर हम जितने ज़्यादा 9
कंसीडर करेंगे उतने ही 9 यहाँ पर आ जाएंगे, यानी x को 2 के जितना ज़्यादा लेफ्ट से क्लोज में ले जाएंगे, फंक्शन की वैल्यू भी मुझे दिख रही है 4 के उतना ही ज़्यादा लेफ्ट से क्लोज में आ रही है ना। चलिए अब थोड़ा राइट से मूव करके देखते हैं। अगर मैं x को 2.1 डालता हूँ, 2.1, तो फंक्शन की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4.1। x को 2.01 मतलब थोड़ा सा और क्लोज आ गया 2 के, एक जीरो लगा दिया तो फंक्शन की वैल्यू क्या आ गई, 4.01, और थोड़ा क्लोज में आ गया 2.1 करोड़ टाइम जीरो लगा दिया और एक वन ले लिया, अब फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी, 4.1 करोड़ टाइम जीरो और उसके बाद फिर एक वन। आ रही बात समझ में? तो यानी यहाँ पर नंबर ऑफ जीरोज जितने ज़्यादा होंगे एग्जैक्टली उतने ही जीरोज यहाँ पर भी प्रोड्यूस हो जाएंगे। अभी आप पर डिपेंड करता कितने ज़्यादा जीरो यहाँ पर लगाना चाहते हैं। तो यहाँ पर भी आप देख रहे हैं जब 2.1 से हम 2 की तरफ चल रहे हैं तो भी फंक्शन की वैल्यू कंटिन्यूसली किस नंबर की तरफ भाग रही है, 4 की तरफ भाग रही है। लेफ्ट हैंड साइड से देखिए 1.8, 1.9, 1.999, जब आप 2 पर पीछे से अटैक करते हैं, पीछे से मूव कर रहे हैं, तो भी फंक्शन की वैल्यू किधर भाग रही है, 4 की तरफ, 3.99999, एंडलेस 9 है। जितना आप यहाँ पर 9 ऊपर लगाओगे उतना ही 9 नीचे आ जाएगा, लेकिन जैसे एग्जैक्ट 2 डाला मामला गड़बड़, फॉर्म क्या आ गई, 0/0 आ गए। 2 पर एग्जैक्ट हम नहीं बता सकते, लेकिन आप 2 के जितना ज़्यादा क्लोज चले जाएं, चाहे लेफ्ट से जाएं चाहे राइट से जाएं, दोनों तरफ से हम फंक्शन की वैल्यू पर कमेंट कर सकते हो। हम ये देख रहे हैं कि इधर से लेफ्ट हैंड से भी देखिए 3.999 किधर जा रहा है, 4 की तरफ, राइट हैंड साइड से भी देखिए 4.0001, तो ये भी किधर जा रहा है, 4 की तरफ। तो चाहे लेफ्ट से देखें या फिर राइट से देखें, हमको ये बात समझ में आ रही है कि फंक्शन की वैल्यू किस नंबर को अप्रोच कर रही है, 4 को अप्रोच कर रही है ना। तो इस टेबल के थ्रू जो डेटा हमने बनाया है, इसको अगर हम लोग एक नोटेशन के थ्रू लिखना चाहें तो हम लोग कुछ इस तरह का सिंबल यूज़ करते हैं, लिमिट x अप्रोचेस टू 2 एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 2 इज इक्वल्स टू 4, कुछ इस तरह का नोटेशन लिखते हैं, है ना। अब बात कर लेते हैं इसका मीनिंग क्या है, यार ये जो हमने नोटेशन लिखा है इसको रीड कैसे करते हैं, इसको समझते कैसे हैं। तो इसका मतलब है कि जब x 2 को अप्रोच करेगा, यानी जब जैसे जैसे अपन x को 2 के क्लोज में ले जाएंगे, वैसे वैसे ये जो फंक्शन यहाँ पर इन्वॉल्व है, इस फंक्शन की वैल्यू 4 के क्लोज में जाएगी, है ना। यानी x को 2 के जितना ज़्यादा क्लोज में ले जाएंगे, ये फंक्शन 4 के उतने ही क्लोज में चला जाएगा। इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि इस फंक्शन की 2 पर वैल्यू 4 है ना, तो इस फंक्शन की 2 पर वैल्यू 4 नहीं है, x को 2 के जितना क्लोज ले जाएंगे फंक्शन की वैल्यू उतना ही 4 के क्लोज में चली जाएगी। इसको अपन लिख भी लेते हैं, इट मींस दैट when x अप्रोचेस टू 2 देन द वैल्यू ऑफ फंक्शन x square minus 4 upon x minus 2 approaches to 4, ये इसका मीनिंग है। जितना आप x को 2 के क्लोज में ले जाएंगे उतना ही फंक्शन की वैल्यू 4 के क्लोज में चली जाएगी। सॉरी चलिए अब इसके बाद एक डिफरेंट पॉइंट पर बात कर लेते हैं। एक टर्म हम लोग यहाँ पर यूज करते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट। RHL of fx, RHL means short form है right hand limit, RHL of fx at x equals to a is denoted by f of a plus, a पर right hand जो limit होती है उसको हम लोग कुछ इस तरह से denote करते हैं, f of a plus, a के ऊपर थोड़ा सा plus बना देते हैं, a plus means slightly greater than a, means a के जस्ट आगे, एंड डिफाइंड बाई एफ ऑफ ए प्लस इक्वल्स टू। अब देखिए राइट हैंड लिमिट निकालते कैसे हैं, जैसे ये नंबर लाइन पर मैंने a ले लिया और a के जस्ट राइट में एक पॉइंट कंसीडर कर लिया a प्लस एच, यानी इस इंटरवल की विड्थ कितनी आ गई h, ठीक है ना।
राइट एंड लिमिट का मतलब होता है जब x a के राइट से a की तरफ चलता है, जब x a के राइट से a की तरफ चलता है तो फंक्शन की वैल्यू जिस नंबर को अप्रोच करती है दैट नंबर इज नोन एज राइट हैंड लिमिट, है ना। अब आप ये देखिए, जब x यहाँ से यहाँ की तरफ a प्लस एस से a की तरफ चलेगा तो ये जो इंटरवल है इसकी विड्थ कंटिन्यूसली छोटी होती जाएगी, और इंटरवल की विड्थ छोटी हो जाएगी ना, एच किसको टेंड करेगा, जीरो को, है ना। तो कभी भी राइट हैंड लिमिट निकालनी हो तो अपन क्या करेंगे, a के जो जस्ट राइट में पॉइंट है वहाँ पर फंक्शन की वैल्यू निकाल लेंगे, यानी a के राइट में पॉइंट कौन सा, a प्लस एच, वहाँ पर फंक्शन की वैल्यू निकाल लो। और ये देखो, जब a प्लस एच a की तरफ चलेगा तो h किधर टेंड करेगा, जीरो, यानी इंटरवल छोटा होता जाएगा और h किधर टेंड करेगा, जीरो को। तो ये आपका हो गया फॉर्मूला राइट हैंड लिमिट निकालने के लिए। सिमिलरली अगर अपन बात करें LHL की, LHL ऑफ FX एट x इक्वल्स टू a इज डिनोटेड बाई f ऑफ a माइनस एंड डिफाइंड बाई। अब बात कर रहे हैं यार लेफ्ट हैंड लिमिट, यानी अब की बार अटैक कहाँ से करना है, पीछे से, लेफ्ट से अटैक करना है। तो a के जस्ट पीछे जो पॉइंट लेते हैं दैट पॉइंट इज a माइनस h। और लेफ्ट हैंड लिमिट का मीनिंग क्या होता है ये भी समझ लें। लेफ्ट हैंड लिमिट का मीनिंग हुआ जब x a के लेफ्ट से a की तरफ अप्रोच करता है, कहाँ से चला, लेफ्ट से चलेगा, a के लेफ्ट से a की तरफ चलेगा तो फंक्शन की वैल्यू जिस नंबर को अप्रोच करती है दैट नंबर इज नोन एज लेफ्ट हैंड लिमिट, है ना। तो फिर से वही थ्योरी है यार कि इंटरवल की विड्थ कितनी है, h। अब देखो यार कि जब x a के लेफ्ट से a की तरफ जाएगा तो ऑब्वियसली इंटरवल की विड्थ छोटी होती जाएगी, यानी h किसको टेंड करेगा, जीरो को। तो अगर लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी है तो वही काम करना, a के जस्ट पीछे जो पॉइंट है पहले वहाँ पर फंक्शन की वैल्यू निकाल लो। a के जस्ट पीछे पॉइंट आ गया a माइनस एच, वहाँ पर फंक्शन वैल्यू निकाल लिया। और जब a माइनस एच a की तरफ चलेगा तो विड्थ कम होती जाएगी, यानी h किसको टेंड करेगा, जीरो को। आ रही है बात समझ में, ठीक है। तो ये आपकी आ गई है लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक। अब हम बात करेंगे कि लिमिट एग्जिस्ट कब करती है, हम कब बोलेंगे कि एक पर फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। तो स्टार मार्क डाल के लिख सकते हैं, स्टार मार्क, लिमिट एक्स गोज टू ए एफ एक्स एग्जिस्ट इफ लिमिट एच गोज टू जीरो एफ ऑफ ए प्लस एच इक्वल टू लिमिट एच गोज टू जीरो एफ ऑफ ए माइनस एच इक्वल टू अ फाइनाइट क्वांटिटी। यानी लिमिट एग्जिस्ट तब करती है जब एफ ऑफ ए प्लस एच मीन्स आर एच एल, ये जो अमाउंट लिखा हुआ है ये क्या लिखा हुआ है, आर एच एल लिखा हुआ है। ये जो पिक्चर बनी है ये कौन सी पिक्चर है, एल एच एल, लेफ्ट हैंड लिमिट है, है ना। तो लिमिट एग्जिस्ट तब करती है जब राइट हैंड उस पॉइंट पर राइट हैंड लिमिट भी एग्जिस्ट करे, लेफ्ट हैंड लिमिट भी एग्जिस्ट करे, और इन दोनों की वैल्यू सेम आनी चाहिए, है ना। और वो नंबर कैसा होना चाहिए, फाइनाइट क्वांटिटी होना चाहिए। अगर ऐसा सब कुछ मिल रहा है तो हम लोग बोलेंगे यस, फंक्शन की उस पॉइंट पर लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, है ना। अच्छा, अब कुछ बच्चों को जो बिगनर्स होते हैं उनको एक डाउट आता है कि सर आप लोग बोलते हैं एग्जिस्ट कर रही है, लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही, इसका मीनिंग सर समझाइए प्लीज़। तो एग्जिस्टेंस का मतलब होता है डेफिनेट एंड फाइनाइट, मतलब लिमिट का जो आंसर है वो क्लियर कट होना चाहिए, एक डेफिनेट नंबर होना चाहिए। अपन ये नहीं बोलेंगे इस फंक्शन की जो लिमिटिंग वैल्यू है वो ओपन इंटरवल 1 से 2 के बीच आ रही है, ये एक मीनिंगलेस स्टेटमेंट है क्योंकि 1 से 2 के बीच तो इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं, है ना। तो ये यहाँ पर क्या श्योर किया गया है कि लिमिट का जो आंसर है वो एक डेफिनेट नंबर होना चाहिए। दूसरा क्या श्योर किया गया कि लिमिट का आंसर कैसा होना चाहिए, फाइनाइट नंबर होना चाहिए जिसको हम नंबर लाइन पर प्लॉट कर सकें। आ रही बात समझ में, तो अगर लिमिट का आंसर कुछ इस टाइप का आ रहा है, डेफिनेट नंबर भी है फाइनाइट नंबर भी है, तो हम बोलते हैं यस लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, अदरवाइज फिर हम ये बोलेंगे कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है, डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। चलिए मूव करते हैं इनडिटर्मिनेट फॉर्म। देयर आर सेवन इनडिटर्मिनेट फॉर्म, सेवन
सेवन इंटेंडेड फॉर्म होती हैं, जानते भी होंगे आप लोग कौन कौन सी होती हैं, 0/0, ∞/∞, 0×∞, ∞−∞, 1/∞, ∞/0 एंड 0/0। ये सेवन इंटेंडेड फॉर्म होती हैं। इन दो में से, इन सेवन में से ये जो दो हैं 0/0 और ∞/∞, ये बेसिक फॉर्म होती है, और बाद वाली ये जो फाइव है ये ड्राइव फॉर्म्स हैं, है ना। ड्राइव मीन्स ये कि अगर इसमें से कोई भी फॉर्म पर क्वेश्चन आता है, जैसे ∞−∞ का भी कोई भी क्वेश्चन है, तो उसको हम लोग इधर 0/0 या फिर ∞/∞ में कन्वर्ट करके सॉल्व करते हैं। जैसे 1/∞ का कोई क्वेश्चन है तो अपन लॉग वॉग लेकर उसको कंसीडर करते हैं, उसको 0/0 या ∞/∞ में पहले कन्वर्ट करते हैं, उसके बाद सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। ठीक, अब हम लोग कई बार होता है कि टॉपिक पढ़ लेते हैं, पूरा समझ में आ जाता है, क्वेश्चन भी कर लेते हैं, लेकिन अब बेसिकली ये समझ नहीं पाते यार, ये जो 0/0 है, ∞/∞, इनको इनडिटर्मिनेट क्यों बोला गया, और कोई फॉर्म इनडिटर्मिनेट क्यों नहीं होती है, है ना। लिमिट हमने पूरा पढ़ लिया, लेकिन हम ये जानते नहीं यार इनडिटर्मिनेट का मतलब क्या होता है, कौन सी फॉर्म इनडिटर्मिनेट होती है और कौन सी नहीं होती है। या फिर हम लोग बोले 0/0 इनडिटर्मिनेट क्यों होता है, तो उसके लिए मैं कुछ बेसिक से इलस्ट्रेशन में आपको से समझाना चाहता हूँ। जैसे अभी लिमिट आगे गया तो नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत तो आप जानते ही हैं लिमिट के बारे में। जैसे लिमिट x गोज़ टू 0 साइन x बाई x, ये स्टैंडर्ड लिमिट होती है, इसका आंसर 1 होता है, है ना। लेकिन अगर मैं लिमिट x गोज़ टू 0 साइन 2x बाई x की बात करूं, तो ये लिमिट 2 होती है, है ना। लेकिन अगर हम मैं बात करूं लिमिट x गोज़ टू 0 e^(3x−1/x), ये लिमिट 3 होती है। आगे जाके सारी बातें बताई जाएंगी, लेकिन यहाँ पर ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि जैसे आप थोड़ा 0/0 इनडिटर्मिनेट है क्यों है ये समझ जाएं, इनडिटर्मिनेट क्यों है, है ना। तो जैसे पहले एग्जांपल की बात करते हैं, x गोज़ टू 0 साइन x बाई x, मैंने x को 0 पुट किया, साइन 0 क्या होता है, 0, नीचे भी 0, ऊपर भी 0, नीचे भी 0, यानी फॉर्म क्या रही 0/0। लेकिन 0 के नेबरहुड में फंक्शन की लिमिट का आंसर क्या रहा है, 1। यानी जब हम लोग 0 के नेबरहुड में साइन x अपॉन x के ग्राफ की स्टडी करें, 0 के जस्ट आगे हाइट देखेंगे तो हाइट कितनी आएगी, 1। 0 के जस्ट लेफ्ट में हाइट देखेंगे फंक्शन की तो हाइट कितनी आ रही है, 1। लेकिन अगर हम लोग सेकंड एग्जांपल की तरफ आ जाएं, x को 0 पुट कर दिए तो ये भी 0 है, ये भी 0, यानी ये भी फॉर्म क्या रही है, 0/0। लेकिन अगर हम लोग साइन 2x/x के ग्राफ की बात करें तो 0 के जस्ट राइट में हाइट कितनी आ जाएगी, 2। 0 के जस्ट लेफ्ट में हाइट कितनी आ जाएगी, 2। तो यहाँ पर 0 के नेबरहुड में फंक्शन की हाइट 2 को टेंड कर रही है, और पिछले एग्जांपल में 0 के नेबरहुड में फंक्शन की हाइट 1 को टेंड कर रही है। और एक और एग्जांपल मैंने लिखा हुआ है, अगर आप x को 0 डालें तो यहाँ पर भी देखिए ये पूरा नंबर किसको टेंड कर रहा है, 0 को, और ये नंबर भी किसको टेंड कर रहा है, 0 को। तो फॉर्म यहाँ पर भी 0/0 है, लेकिन इस लिमिट का, इसकी लिमिटिंग वैल्यू क्या आ रही है, 3 आ रही है। यानी 0 के जस्ट राइट में ग्राफ की हाइट देखें या फिर 0 के जस्ट लेफ्ट में ग्राफ की हाइट देखें तो हाइट कितनी आ रही है, 3। तो 0/0 के, यानी ये जितने भी एग्जांपल लिए इसमें सारे फंक्शन 0/0 फॉर्म के, लेकिन एक आंसर 1 आ रहा है, एक का आंसर 2 आ रहा है, तीसरे का आंसर 3 आ रहा है। और इस तरह के मैं इनफाइनाइट क्वेश्चंस बना सकता हूँ और ये दिखा सकता हूँ कि ये जो वैल्यूज हैं वो हम अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं, समझ गए ना। तो इसीलिए अपन इनको क्या बोलते हैं, इनका मतलब इनका बिहेवियर यूनिक बिहेवियर नहीं है कि यार 0/0 फॉर्म के जो अगर फंक्शंस हैं, अगर वो सारे नंबर सेम नंबर को टेंड कर रहे होते, सभी की अप्रोचिंग वैल्यू सेम होती, तो हम इनको इंडिटर्मिनेट नहीं बोलते। लेकिन कहीं पर किसी एक एग्जांपल में आंसर 1 है, दूसरे एग्जांपल में 2 है, तीसरे एग्जांपल में 3 है, इसका मतलब है कि ये सारी फॉर्म कैसी हैं, इंडिटर्मिनेट फॉर्म है, है ना। और आगे जाने पर हम इनके बारे में भी कुछ कुछ बताएंगे आपको, 1/∞। जैसे कुछ बच्चों को डाउट आता सर अगर बेस में 1 है और पावर में इन्फिनिटी है तो 1, बेस में अगर 1 है तो पावर में कुछ भी हो वैल्यू हमेशा 1 ही होती है, है ना। तो इस तरह के भी डाउट आते हैं। या फिर कुछ बच्चे कहते हैं सर कि इन्फिनिटी की पावर 0 को आप इनडिटर्मिनेट बोलते हो, लेकिन क्या 0 की पावर इन्फिनिटी को इनडिटर्मिनेट बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए, ये सारे भी डाउट आएंगे। तो थोड़ा सा चलिए इस पर भी बात कर लेते हैं, और बाकी आगे क्लासेस में तो अपन इसको डिटेल में बातचीत करते ही रहेंगे। 0 पर इन्फिनिटी का मतलब है ये जो 0 है ये एग्जैक्ट 0 नहीं है, ये 0 कैसा है, 0 प्लस टाइप का है, स्लाइटली पॉजिटिव, यानी 0.00000 बहुत सारे 0 फिर 1, कुछ इस टाइप का समझिए। और इसकी पावर क्या दे रखी है, इन्फिनिटी। तो जैसा कि आप जानते हैं कि अगर बेस 1 से छोटा हो, ये बेस कैसा, 1 से बहुत ज़्यादा छोटा है,
और मैं पावर क्या कर रहा हूँ, बढ़ाता जा रहा हूँ, पावर में इन्फिनिटी देख रहा है, यानी बेस वन से छोटा है और मैं पावर को बढ़ाता चला जाऊँ तो ग्राफ डिक्रीज करेगा और किसको अटेंड करने लगेगा, जीरो को। तो ये इस टाइप का कोई भी आप फंक्शन बना लें जिसमें बेस जीरो को अटेंड कर रहा हो, पावर इन्फिनिटी को अटेंड कर रही हो, तो वो इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं, उसका सीधा आंसर आ जाएगा जीरो। समझ में आया क्या? लेकिन इन्फिनिटी की पावर जीरो की बात करेंगे तो ये डिपेंड करेगा काइंड ऑफ फंक्शन, फंक्शन आपने कौन सा पिक किया है। किसी फंक्शन में इसका आंसर ई की पावर वन आ रहा होगा, किसी में ई की पावर माइनस वन आएगा, किसी में कुछ और भी आ सकता है ना। तो इसलिए मैं बोलूँगा यहाँ पर ये एक इंटरनेट फॉर्म है, और आगे जैसे जैसे क्लास पढ़ेगी और भी ज़्यादा डिटेल में हम लोग इस पर बात करते रहेंगे, ठीक है। चलिए कुछ और इम्पोर्टेंट बातें कर लेते हैं आपके साथ। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट यार ये भी है, बिगनर्स को जो डाउट आता है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एफ एक्स का, भाई साहब ये बिल्कुल भी मतलब नहीं होता है कि एक्स इक्वस टू ए है ना। मतलब जब हम एक्स को ए को टेंड कराते हैं एफ एक्स पर, तो इसका ये मतलब नहीं है कि हम एक्स को ए पुट कर रहे हैं, या इसका मतलब है कि एक्स ए से जस्ट बड़ा है या फिर एक्स ए से जस्ट छोटा है, ठीक है। चलिए एक और एग्जांपल के थ्रू मैं आपको लिमिट पर बात करना चाहता हूँ। एक फिजिक्स से का एग्जांपल लेते हैं। सपोज द लॉ ऑफ मोशन ऑफ ए मूविंग पार्टिकल इज एस इक्वल टू टी स्क्वायर। यहाँ पर एस डिस्प्लेसमेंट है और टी टाइम है, मतलब एक मूविंग पार्टिकल है जो इस रूल के अकॉर्डिंग मूव कर रहा है, एंड वी आर इंटरेस्टेड टू कैलकुलेट द इंस्टेंटेनियस स्पीड ऑफ मूविंग पार्टिकल एट टी इक्वल टू 2 सेकेंड, है ना। चलिए तो ये मैंने लिख रखा है कि एक मूविंग बॉडी है जो इस रूल के अकॉर्डिंग मूव कर रही है, एस इक्वल टू टी स्क्वायर। यहाँ पर एस क्या है, डिस्प्लेसमेंट, टी क्या है, टाइम, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम एक रिलेशन गिवन है। और मैं बस ये जानना चाहता हूँ कि जब पार्टिकल ने चलना स्टार्ट किया उसके 2 सेकेंड बाद पार्टिकल की इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या है, ये हमारा टास्क है। चलिए वर्क करते हैं इस पर। अब टी कुछ 2 सेकेंड में इंस्टेंटेनियस स्पीड निकालने के लिए मैंने क्या किया, एक छोटा सा एक इंटरवल पिक कर लिया। मैंने सपोज किया टी इक्व टू 2 सेकेंड पर पार्टिकल यहाँ पर था, और टी इक्व टू 2 + δt सेकेंड पर पार्टिकल क्यू पर पहुँच गया। P तक डिस्प्लेसमेंट कितना था पार्टिकल का, S, और Q पे डिस्प्लेसमेंट कितना है, S + δs, है ना। और मेरे को क्या निकालना है, पॉइंट P की स्पीड निकालनी है। जब पार्टिकल ने पॉइंट P को क्रॉस किया, एट दैट मोमेंट उस पार्टिकल की स्पीड क्या है, दिस इज़ अ क्वेश्चन। P पर स्पीड चाहिए, ठीक है। अब P पर स्पीड कैसे निकालेंगे, तो पहले अपन क्या करते हैं, ये जो इंटरवल PQ है, इस इंटरवल की एवरेज स्पीड निकालते हैं, एवरेज स्पीड ऑफ पार्टिकल फॉर इंटरवल पी क्यू। अच्छा, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज स्पीड मीन्स टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, δs / δt, है ना। अब ये δs कैसे निकालेंगे, तो δs निकालने का अपन क्या करते हैं, इस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट, पॉइंट क्यू का डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे, पॉइंट पी का निकालेंगे, और दोनों को सबट्रैक्ट कर देंगे। तो पॉइंट क्यू की बात करें तो क्यू पॉइंट पर डिस्प्लेसमेंट कितना आ जाएगा, 2 + δt का होल स्क्वायर। मतलब टी को इतना पुट कर दिया फॉर्मूले में, एस इक्वल टू टी स्क्वायर, मतलब टी ए वाला उठाया और इसको उठा के, ये जो ऊपर फॉर्मूला था डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम, इसको यहाँ पर उठा के पुट कर दिया। माइनस जब पार्टिकल पी पर था तब डिस्प्लेसमेंट कितना था, तो पी पर टाइम कितना होता, 2 सेकेंड, तो डिस्प्लेसमेंट कितना आ जाएगा, 2 का स्क्वायर / δt। 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, इसको ओपन करें तो रिजल्ट मिलेगा δt × 4 + δt / δt।
तो कुछ इस तरह का रिजल्ट अपने पास आ रहा है, ठीक है ना। अब क्या हुआ कि ये जो हमने रिजल्ट फाइनली यहाँ पर निकाला हुआ है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये तो इंटरवल पी क्यू की एवरेज स्पीड आई है। लेकिन हमारा टास्क क्या था, हमको क्या करना था, हमको तो पॉइंट पी की इंस्टेंटेनियस स्पीड चाहिए थी, यानी जब पार्टिकल ने पॉइंट पी को क्रॉस किया उस समय स्पीडोमीटर पर रीडिंग क्या थी, ये मुझे निकालना है ना। तो इसके पीछे एक बहुत ही अच्छी स्टोरी है, आपसे शेयर करना चाहता हूँ। तो एक बार ये जो वर्क मैं कर रहा हूँ, ये एग्जैक्टली ये थॉट आइजक न्यूटन के माइंड में आया था। आइजक न्यूटन एक बार इंस्टेंटेनियस स्पीड पर वर्क कर रहे थे, उसी तरह से इन्होंने कुछ इंटरवल पिक किया था और सिमिलर रिजल्ट, जैसे मैं यहाँ पर फाइनली पहुँचा हूँ ऐसा कुछ रिजल्ट उनको मिल गया। अब उनको क्वेश्चन टारगेट ये था कि यार पॉइंट पी की स्पीड चाहिए, लेकिन जो हमने वर्क किया ये तो इंटरवल पी क्यू की एवरेज स्पीड है, लेकिन मेरे को क्या निकालना था, इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो उसके लिए न्यूटन ने क्या किया, इस इंटरवल को बाइसेक्ट कर दिया, इंटरवल को छोटा कर दिया। जो काम पी क्यू इंटरवल पे कर रहे थे उस इंटरवल की आधी लेंथ ले ली और फिर से उस इंटरवल की एवरेज स्पीड निकाली। लेकिन वही बात है कि जो रिजल्ट आया वो उस रिड्यूस इंटरवल की एवरेज स्पीड आया, तो वो इंस्टेंटेनियस स्पीड पॉइंट पी की तो आई नहीं। तो उसके बाद फिर क्या किया, उन्होंने फिर से इंटरवल को बाइसेक्ट कर दिया और करते करते वो इंटरवल को कंटिन्यूसली बाइसेक्ट करते रहे। लेकिन जब भी रिजल्ट निकालते थे तो जो उनके पास रिजल्ट आता था वो रिड्यूस्ड इंटरवल की एवरेज स्पीड आती थी, उनको इंस्टेंटेनियस स्पीड मिली नहीं, क्योंकि वो समझ गए थे कि इंस्टेंटेनियस स्पीड अगर निकालनी है तो मेरे को डेल्टा टी को क्या पुट करना पड़ेगा, एग्जैक्ट जीरो। क्योंकि डेल्टा टी अगर आप एग्जैक्ट जीरो पुट करोगे तभी आपको पॉइंट पी की स्पीड मिलेगी, और डेल्टा टी को जैसे आप एग्जैक्ट जीरो पुट करोगे तो देखिए ऊपर न्यूमरेटर में भी डेल्टा टी है, डिनोमेटर में डेल्टा टी, तो फॉर्म क्या आ जाएगी, जीरो बाई जीरो, है ना, और जो कि एक मीनिंगलेस क्वांटिटी है। तो न्यूटन जो है इस प्रॉब्लम बुरी तरह से उलझ गया था, फंस गया था न्यूटन, इसको रिजॉल्व नहीं कर पा रहा था कि पॉइंट पी की इंस्टेंटेनियस स्पीड कैसे निकाली जाए। तो इसके लिए न्यूटन का एक बहुत ही फेवरेट स्टूडेंट था GW लेबनीज, गॉटफ्राइड विलियम लेबनीज। तो न्यूटन ने अपनी इस प्रॉब्लम को अपने स्टूडेंट से डिस्कस किया, तो लेबनीज ने सजेस्ट किया कि सर आप डेल्टा टी को, अगर आपको पी पॉइंट पी की स्पीड चाहिए तो डेल्टा टी को आप एग्जैक्ट जीरो पुट मत करो, क्योंकि एग्जैक्ट जीरो पुट करते ही एक इंडिटरमिनेट फॉर्म में रिड्यूस हो जाता है। तो उसने कहा डेल्टा टी को ऐसा नंबर ले लो जो जीरो के बहुत ही क्लोज में हो, जीरो से जस्ट बड़ा हो या फिर जीरो से जस्ट छोटा हो। तो उसी ने एक्चुअली ये लिमिट के नोटेशन को इंट्रोड्यूस किया था। तो ये जो सीन है, अगर हम यहाँ पर डेल्टा टी को जीरो प्लस ले लें तो ये क्वांटिटी, ये जो पिक्चर आएगी ये 4.00000, मतलब ये कुछ इस टाइप का नंबर आने लगेगा। और अगर यहाँ पर हम डेल्टा टी को जीरो माइनस टाइप का ले लें, जीरो से जस्ट छोटा, तो इस केस में डेल्टा टी से डेल्टा टी कैंसिल हो जाएगा, तो ये रिजल्ट कैसा आएगा, 3.999। तो हम लोग देख रहे हैं कि दोनों तरफ से ये नंबर किसको टेंड कर रहा है, 3.99, ये भी 4 की तरफ मूव कर रहा है और ये भी 4 की तरफ मूव कर रहा है, दोनों तरफ से ये नंबर 4 को मूव कर रहा है ना। तो इट मींस कि पॉइंट पी पर जब हम लोग इंस्टेंटेनियस स्पीड की बात करेंगे तो इंस्टेंटेनियस स्पीड कितनी आ जाएगी पार्टिकल की पॉइंट पी पर, दैट इज 4, है ना। तो ये जो था सजेशन दिया था उनके न्यूटन के स्टूडेंट ने। लेकिन जब कैलकुलस थोड़ा और आगे बढ़ गई, हमने कंटिन्यूटी भी पढ़ लिया, डिफ्रेंसीबिलिटी भी पढ़ लिया, तो अगर हम डिफ्रेंसीबिलिटी पढ़ चुके हैं तो हमारे लिए ये काम बहुत ही छोटा काम है, बस जस्ट 2 or 3 seconds का टाइम लगेगा। अपन डायरेक्टली डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम DS/DT निकाल लेते हैं, तो DS/DT कितना आ जाएगा, 2t, और इतना सब कुछ फिजिक्स में पढ़ा ही हुआ आपने, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज नोन एज वेलोसिटी। तो DS/DT अपने पास 2t आ गया है, तो दिस इम्प्लाइज DS/DT एट t = 2 अगर कैलकुलेट करें तो 2t के लिए कितना आ जाएगा, 4। ये डायरेक्टली इंस्टेंटेनियस स्पीड अपने पास आ चुकी है ना। चलिए अब थोड़ा सा लिमिट का बेसिक काफ़ी पढ़ लिया हम लोगों ने, अब थोड़ा सा हाथ साफ कर लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं कुछ प्रॉब्लम्स। कैलकुलेट द फॉलोइंग लिमिट्स, पहला क्वेश्चन है लिमिट x गोज़ टू 2 इंटीग्रल पार्ट ऑफ x, है ना, ये जो बॉक्स है ये क्या है, GIF ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ये लिमिट निकालनी है। तो देखिए लिमिट का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करना का मतलब होता है हमें दो जॉब करनी है, एक बार 2 के जस्ट राइट से अटैक करना है, एक बार 2 के जस्ट लेफ्ट से अटैक करना है।
तो हमें दो काम करने हैं, एक बार हमें देखना है लिमिट x goes to 2 plus box x, एक बार ये वाली लिमिट सॉल्व करनी है, और एक बार ये वाली 2 minus box x, 2 पर राइट से अटैक, 2 पर लेफ्ट से अटैक। अच्छा, यहाँ पर 2 प्लस का मीनिंग समझिए, 2 प्लस का मीनिंग x इज स्लाइटली ग्रेटर देन 2, x 2 से जस्ट बड़ा है, यानी किस टाइप का है, 2.00001 इस टाइप का है। तो जब x 2 से जस्ट बड़ा होगा तो उसके इंटीग्रल पार्ट की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2, तो ये लिमिट तो 2 बन गई। यहाँ पर अगर हम लोग देखें x goes to 2 minus, 2 minus मतलब slightly lesser than 2, x 2 से जस्ट छोटा है, जस्ट छोटा मतलब किस टाइप का होगा, 1.999 इस टाइप का है, तो 1.99 टाइप का है, तो उसके इंटीग्रल पार्ट की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1, है ना। तो यहाँ पर हम नोटिस कर रहे हैं कि जब हमने राइट से अटैक किया तो लिमिटिंग वैल्यू 2 आ रही है, लेफ्ट से अटैक किया लिमिटिंग वैल्यू 1 आ रही है, दोनों लिमिट एग्जिस्ट तो करती हैं लेकिन इक्वल नहीं है। तो फाइनल हमारा कमेंट क्या होगा इस क्वेश्चन के लिए, डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि एग्जिस्ट तभी करेगा जब ये दोनों लिमिट सेम आ रही है, सेम आ रही होंगी तो एग्जिस्ट करेगी, और डिफरेंट आ रही तो आंसर क्या होगा, डज नॉट एग्जिस्ट। अच्छा, इस क्वेश्चन को अगर अपन ग्राफ से समझना चाहें, ग्राफिकली भी डिस्कस कर सकते हैं और करना भी चाहिए, ग्राफ से थोड़ा फील अच्छी आती है। ग्राफ बना लेते हैं बॉक्स एक्स का, जीरो वन टू थ्री, तो जैसे कि आप जानते हैं कि जीरो से वन के बीच में इंटीग्रल पार्ट की वैल्यू क्या आती है, जीरो आती है, वन से टू के बीच में हर पॉइंट पे वैल्यू कितनी आती है, वन आती है, टू से थ्री के बीच के हर पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू टू आती है ना। तो ये ग्राफ दे रखा है वाई इक्वल टू इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स। अब सपोज करो अपने को ग्राफ गिवेन हो और लिमिट निकालनी हो, तो आप अपन ये देखते हैं कि 2 पर लिमिट चाहिए, तो एक बार आप क्या करिए, 2 के पीछे से 2 की तरफ चलिए, 2 के पीछे से 2 की तरफ, लेकिन चलना किस पर है, ग्राफ पर, तो 2 के पीछे से 2 की तरफ चलो, लेकिन चलो ग्राफ पर, तो हाइट किसको टेंड करे, ये वाली हाइट कितनी आ रही है, ये हाइट 1 यूनिट है, और ये वाली हाइट कितनी आ रही है, 2, तो जब 2 के पीछे से अप्रोच करते हैं तो हाइट 1 आती है, लेकिन जब 2 के राइट से 2 को अप्रोच करें तो हाइट कितनी आ रही है, 1 आ रही है। तो दिख रहा है कि 2 पर फंक्शन के ग्राफ में एक जंप आ रहा है, पीछे से हाइट 1 आती है, आगे से हाइट 2 आती है, तो यहाँ पर इसका मतलब है कि फंक्शन की लिमिट यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं कर रही है, है ना। तो आगे भी आप याद रख सकते हैं कि अगर ग्राफ अवेलेबल हो और किसी पॉइंट पर फंक्शन के ग्राफ में जंप दिख रहा हो, जैसा कि यहाँ पर दिख रहा है, तो वहाँ पर फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन, लिमिट x goes to 0 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, ये वाली लिमिट सॉल्व करनी है ना। तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x को अपन लिख सकते हैं x माइनस इंटीग्रल पार्ट ऑफ x, ऐसे लिख दिया। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि लिमिट का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने मतलब अपने को दो जॉब करें, दो तरफ से अटैक करना पड़ता है, एक बार राइट से अटैक, जीरो के जस्ट राइट से अटैक करेंगे एक्स माइनस बॉक्स एक्स, और एक बार जीरो पर पीछे से अटैक करेंगे जीरो माइनस एक्स माइनस बॉक्स एक्स, है ना। ये दो लिमिट कैलकुलेट करनी पड़ेंगी अपने को। चलिए पहले तो राइट वाली लिमिट देखते हैं। अच्छा, जब हम लोग लिमिट कैलकुलेट करते हैं तो जो स्पेशल सिंबल्स होते हैं, जैसे इंटीग्रल पार्ट है, फ्रैक्शनल पार्ट है, सिग्नम है, सबसे पहले अपन क्या करते हैं, इनको डिफाइन कर लेते हैं। तो जब अपन x को 0 प्लस टेंड कराएंगे, तो जब x 0 से जस्ट बड़ा है, तो एट दैट टाइम बॉक्स x की वैल्यू क्या आ जाएगी, बॉक्स x की वैल्यू 0 आ जाएगी, x माइनस 0, और यहाँ पर ये जो x है ये किसको टेंड कर रहा है, 0 को, तो x को 0 पुट करेंगे, 0 माइनस 0 0 बन जाएगा। अब नीचे आ जाते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करते हैं। यहाँ पर x कैसा है, 0 माइनस है, तो 0 के जस्ट पीछे इंटीग्रल पार्ट की वैल्यू क्या बनती है, माइनस 1, और माइनस इज ऑलरेडी देयर, तो फाइनली ये सीन क्या बन जाएगा, x प्लस 1 बन गया, है ना। अब इसमें आप x को 0 टेंड करा दीजिए, लिमिट क्या आ रही है, 1 आ रही है। तो जैसा मैं देख पा रहा हूँ, राइट से अटैक किया लिमिटिंग वैल्यू 0 आ रही है, लेफ्ट से अटैक किया लिमिटिंग वैल्यू 1 आ रही है, तो दोनों लिमिट इंडिविजुअली तो एग्जिस्ट करते हैं, क्योंकि RHL भी फाइनाइट है, LHL भी फाइनाइट है, लेकिन दोनों की वैल्यू सेम नहीं है, इक्वल नहीं है, तो इसके लिए भी हमारा कमेंट क्या होगा, DNE डज नॉट एग्जिस्ट, है ना।
तो ये लिमिट भी एग्जिस्ट नहीं कर रही है। अच्छा, ग्राफ तो हमने इसका भी पढ़ा है, तो थोड़ा सा टाइम इसको भी दे देते, ग्राफ से देख लेते हैं कि एक बार ये भी समझ में आ जाए कि ग्राफ से डायरेक्ट लिमिट हम देख के कैसे बताते हैं। देखिए, जीरो से वन में जो ग्राफ आता है फ्रैक्शनल पार्ट का कुछ ऐसा होता है, वन से टू में ग्राफ क्या आता है ऐसा होता है, पीरियोडिक फंक्शन होता है, पीरियड वन होता है, तो जो ग्राफ जीरो से वन में आएगा भाई वन से टू में आता है, भाई टू से थ्री में पीछे भी भाई ग्राफ आता है। तो हमको इसकी लिमिट फंक्शन की जीरो पर निकाल दी थी, है ना। तो मेरे से ये बोला गया था लिमिट एक्स गोज टू जीरो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स बताओ। तो जैसा कि मैंने बताया था आपको, दो तरफ से अटैक करो, एक बार जीरो पर राइट से अटैक कर दो और एक बार जीरो पर लेफ्ट से अटैक कर लो, है ना। सॉल्व तो कर चुके हैं लेकिन अब थोड़ा सा ग्राफ से बता रहे हैं कि ग्राफ देख के डायरेक्ट आप समझ जाएं। तो जब जीरो पर राइट हैंड लिमिट निकालनी है तो राइट हैंड लिमिट का मतलब जीरो के राइट से जीरो की तरफ चलो। रिपीट करता हूँ एक बार फिर से, जीरो पर राइट हैंड लिमिट का मतलब जीरो के राइट से जीरो की तरफ चलो, है ना। लेकिन चलना किस पर है, चलना है ग्राफ पर, येलो कलर से जो ग्राफ बनाया हुआ है। तो जीरो के राइट से अगर जीरो की तरफ ग्राफ पर चले तो हमें दिख रहा फंक्शन की हाइट किसको टेंड कर रही है, जीरो को। तो राइट हैंड लिमिट तो डायरेक्टली जीरो आ गई। अब मुझे जीरो पर लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी, यानी अटैक किधर से करना, पीछे से, जीरो के पीछे से जीरो की तरफ चलना है। लेकिन चलना किस पर है, ग्राफ पर, येलो कलर से मैंने यहाँ पर ग्राफ बनाया हुआ है। तो जीरो के पीछे से जीरो की तरफ चलिए, तो देखिए फंक्शन हाइट किस नंबर को अप्रोच करती है, वन को अप्रोच करती। पीछे चेक कर लीजिए, देखिए यही आपने निकाला था, राइट से अटैक किया था जीरो आ रहा था, लेफ्ट से अटैक किया था तो जीरो, लेफ्ट से अटैक किया था तो वन आ रहा था, है ना, वही लिमिट यहाँ पर है। तो ग्राफ से हमको एक परफेक्ट फील आ रही है, जैसा हम नोटिस भी कर पा रहे हैं कि जीरो पर ग्राफ में जंप आ रहा है। तो हम लोग एक पॉइंट ये भी लिख सकते हैं, अगर ग्राफ में किसी भी पॉइंट पर जंप आ रहा है तो वहाँ पर उसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है, है ना। तो एक नोट डालकर ये पॉइंट मेंशन कर सकते हैं अपने नोट्स में, नोट इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स एंड फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स हैव नो लिमिट एट ऑल इंटीजर्स, यानी इंटीग्रल पॉइंट पर इनकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है, है ना। चलिए मूव करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, थर्ड क्वेश्चन, लिमिट एक्स गोज टू जीरो मॉड एक्स बाई एक्स, ये लिमिट सॉल्व करनी है, ठीक है ना। तो वही करेंगे यार अपन, दोनों तरफ से अटैक करेंगे, एक बार राइट से अटैक करेंगे और एक बार लेफ्ट से अटैक करेंगे। लिमिट एक्स गोज टू जीरो प्लस मॉड एक्स बाई एक्स, एक बार ये वाला काम करेंगे, एक बार पीछे से अटैक करेंगे, जीरो माइनस मॉड एक्स बाई एक्स, है ना, ठीक है ना। तो जैसा भी प्रीवियस प्रॉब्लम में मैंने बोला था कि लिमिट सॉल्व करते समय जो स्पेशल सिंबल्स होते हैं, स्पेशल सिंबल्स मतलब मॉड, इंटीग्रल पार्ट, सिग्नम, फ्रैक्शनल पार्ट, पहले हम इनको डिफाइन करते हैं और डिफाइन करने के बाद लिमिट अप्लाई करते हैं। यानी यहाँ पर मेरा पहला टारगेट होगा मॉड को ओपन करना, और मॉड को हम साइन को देखकर ओपन करेंगे। जैसे हम लोग ये ऊपर वाला केस कंसीडर करें तो एक्स कैसा है, जीरो प्लस, जीरो प्लस मतलब जीरो से जस्ट बड़ा है, जीरो से बड़ा मतलब कैसा हो गया, पॉजिटिव नंबर। और अगर x पॉजिटिव है तो पॉजिटिव नंबर का मॉड पॉजिटिव साइन से खुल जाएगा, x अपॉन x, तो इसको इससे कैंसिल कर सकते हैं, लिमिट कितनी आ जाएगी, वन, है ना। और ये भी ध्यान रखना है कि यहाँ पर हम कैंसिल कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि x यहाँ पर जैसा मैंने बोला था एग्जैक्ट जीरो नहीं है, x कैसा नंबर है, जीरो प्लस, जीरो से जस्ट बड़ा है, तो नॉन जीरो से नॉन जीरो नंबर अपन कैंसिल कर सकते हैं, लिमिट वन आ गई। इस पर्टिकुलर लिमिट की बात करें तो x कैसा, स्लाइटली नेगेटिव, तो नेगेटिव है तो नेगेटिव नंबर का मॉड, नेगेटिव साइंस ओपन खुला होगा, तो माइनस एक्स वाई एक्स, तो ये कैंसिल होकर लिमिट क्या दे दिया, माइनस वन। तो फिर से यार वही स्टोरी आ गई, तीसरा क्वेश्चन में वही आंसर आ रहा है, एक तरफ से लिमिट वन आ रही, दूसरी तरफ से माइनस वन आ रही, फाइनल आंसर क्या हो गया इसका भी, डी एन ई डज नॉट एग्जिस्ट, ये लिमिट भी एग्जिस्ट नहीं करती है। और थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं यार, लिमिट एक्स गोज टू जीरो टैन इनवर्स ऑफ वन बाई एक्स, टैन इनवर्स वन बाई एक्स, ये लिमिट निकालनी है, काम भाई है यार, वही रिपीट टेलीकास्ट, एक बार आगे से अटैक, एक बार पीछे से अटैक, x गोज टू जीरो प्लस टैन इनवर्स वन बाई एक्स,
और एक बार लिमिट x गोज टू जीरो माइनस टैन इनवर्स वन वाई एक्स, है ना। लेकिन यहाँ पर जो सीन दिख रहा है टैन इनवर्स वन वाई एक्स, तो ये एक्चुअली सीन कैसा है, फंक्शन ऑफ फंक्शन का सीन है। दिस अ केस ऑफ फंक्शन ऑफ फंक्शन। फंक्शन ऑफ फंक्शन मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आप x को कोई भी इनपुट दोगे तो सबसे पहला अटैक किधर होगा, यहाँ पर होगा, वन अपॉन x पर होगा। उसके बाद ये जो वैल्यू आएगी उस वैल्यू का मुझे क्या लेना होगा, टेन इनवर्स लेना होगा। तो एक काम कर लेते हैं कि वन अपॉन एक्स का ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं, है ना। तो वन अपॉन एक्स का जो ग्राफ होता है वो कुछ इस टाइप का ग्राफ रहता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है, समथिंग लाइक दैट, बुक्स वगैरह में बना ही रहता है। ये जीरो है, है ना। चलिए ये ग्राफ किसका है, y इक्वल टू वन अपॉन एक्स। चलिए आ जाते हैं क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। अब सबसे पहले राइट हैंड लिमिट की बात करते हैं। जब x स्लाइटली पॉजिटिव, जीरो से जस्ट बड़ा, तो पहले ये देखो आप वन अपॉन एक्स की वैल्यू क्या आएगी। तो ग्राफ आपको गिवन है, तो जीरो के जस्ट आगे देखो ये फंक्शन की हाइट किसको टेंड करती है, इन्फिनिटी को, यानी ये नंबर किसको टेंड करेगा, इन्फिनिटी को। अब इस इन्फिनिटी का क्या लेना मुझे, टेन इनवर्स। तो टेन इन्फिनिटी का टेन इनवर्स क्या होता है, पाई बाई टू, ठीक है ना। लेफ्ट हैंड लिमिट पर आ जाओ, जीरो के जस्ट पीछे वन अपॉन एक्स वाले ग्राफ की हाइट, जीरो के जस्ट पीछे स्लाइटली निगेटिव। तो जब जीरो के जस्ट पीछे जाएंगे तो नंबर किसको टेंड कर रहा है, माइनस इन्फिनिटी को, और माइनस इन्फिनिटी का टेन इनवर्स क्या होता है, माइनस पाई बाई टू। यार एक बार फिर से वही आंसर है कि दोनों लिमिट इंडिविजुअली तो एग्जिस्ट कर रही हैं लेकिन इक्वल नहीं है, तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, डज नॉट एग्जिस्ट। लेकिन सोचो यार कि अगर मैंने प्रॉब्लम देने से पहले एक आउटर मोड लगा दिया होता, बाहर मोड लगा दिया होता, अगर मैं बाहर मोड लगाता तो यहाँ भी शायद मोड आ जाता और यहाँ भी मोड आ जाता। अब जब दोनों जगह मोड होता तो फिर ये लिमिट भी क्या बन जाती, पाई बाई टू, ऊपर वाली पाई बाई टू। तो लिमिट इस केस में दोनों सेम हो जाती, तो फाइनली हम आंसर क्या लिख देते, पाई बाई टू, लिमिट एग्जिस्ट कर रही है और लिमिट का आंसर वही होगा जो इनकी इक्वल वैल्यूज दिख रही है अपने को यहाँ पर। आ रही है बात समझ में। चलिए कुछ और भी बातें करते हैं, और एक दो एग्जांपल कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिमिट एक्स गोज टू जीरो कॉट इनवर्स एक्स स्क्वायर, इसकी बात करते हैं। तो वही है, एक्स गोज टू जीरो प्लस, एक बार जीरो पर राइट से अटैक, एक बार जीरो पर लेफ्ट से अटैक। सेम सीन है यार कि एक बार, मतलब भाई फंक्शन ऑफ फंक्शन, एक्स को कोई भी इनपुट देंगे पहला अटैक यहाँ पर होगा, उस ये जो नंबर बनेगा उसका क्या लेना होगा, कॉट इनवर्स। तो एक्स अगर स्लाइटली पॉजिटिव है तो स्लाइटली पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर भी कैसा होता, स्लाइटली पॉजिटिव, है ना, स्लाइटली। और इसका जब कॉट इनवर्स लेंगे, कॉट इनवर्स जीरो क्या होता है, कॉट इनवर्स जीरो इज पाई बाई टू, है ना। सिमिलरली जब अगर हम लोग इधर देखें, जीरो माइनस, जब एक्स स्लाइटली निगेटिव है लेकिन उसका स्क्वायर जब करेंगे तो क्या हो जाएगा, स्लाइटली पॉजिटिव हो जाएगा, और स्लाइटली पॉजिटिव होगा तो इसका भी कॉट इनवर्स क्या दे देगा अपने को, पाई बाई टू दे देगा। तो फाइनली ये पहला ऐसा क्वेश्चन है जिसका आंसर एग्जिस्ट कर रहा है और लिमिट का आंसर क्या आ जाएगा अपने पास, पाई बाई टू, है ना, ठीक है। अच्छा कुछ स्टूडेंट इसमें ये कमेंट करते हैं कि सर यहाँ पर एक ऑब्जर्वेशन हम लगा सकते हैं, जैसे कि एक्स स्क्वायर एक तरह से कैसा फंक्शन है, इवन फंक्शन है। अब एक्स स्क्वायर इवन है तो पूरा जो फंक्शन है ये भी कैसा हो जाएगा, इवन हो जाएगा। अब अगर ये इवन फंक्शन है और आप जानते हैं कि इवन फंक्शन का जो ग्राफ होता है वो वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होता है, यानी जीरो के जस्ट आगे जो अप्रोचिंग वैल्यू आएगी वही जीरो के जस्ट पीछे आएगी, तो यहाँ पर हम अपने वर्क को थोड़ा मिनिमाइज कर सकते हैं। अगर किसी भी इवन फंक्शन की जीरो पर लिमिट निकालनी हो तो हमें ज़रूरी नहीं हम ये दोनों जॉब करें, क्योंकि जीरो के जस्ट आगे जो ग्राफ होगा वही जीरो के जस्ट पीछे होगा। तो उस केस में जब फंक्शन इवन हो और जीरो पर लिमिट निकाल ली हो तो बस आप केवल एक साइड की लिमिट निकाल लो, उससे भी काम चल जाएगा, क्योंकि तो ऑब्वियस सी बात है जो ये आएगा वही आएगा, वहाँ पर दो काम करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। चलिए और एक क्वेश्चन ले लेते हैं, लिमिट एक्स गोज टू वन एक्स माइनस वन इंटू सिग्नम ऑफ एक्स माइनस वन। वही काम करो, एक बार वन पर राइट से अटैक करो,
और एक बार वन पर लेफ्ट से अटैक कर दो, x माइनस वन इंटू सिग्नम ऑफ x माइनस वन। अब फिर से देखो यार, यहाँ पर एक सिग्नम फंक्शन अपीयर हो रहा है। मेरे वर्ड्स रिकॉल करो, मैंने क्या बोला था कि जो स्पेशल सिंबल्स हैं मॉड, इंटीग्रल पार्ट, फ्रैक्शनल पार्ट, सिग्नम फंक्शन, पहले इनको डिफाइन कर लो, है ना, उसके बाद हम लिमिट अप्लाई कर देंगे। तो x यहाँ पर कैसा है, 1 प्लस, 1 से जस्ट बड़ा, स्लाइटली ग्रेटर देन 1। अगर x 1 से जस्ट बड़ा है तो ये जो डिफरेंस होगा स्लाइटली पॉजिटिव होगा, और स्लाइटली पॉजिटिव नंबर का सिग्नम क्या होता है, 1। तो अगर ये 1 बन रहा है तो नेक्स्ट लाइन में इस लिमिट को मैं लिख सकता हूँ, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 प्लस x माइनस 1, है ना। और x 1 को टेंड कर रहा है तो x यहाँ पर 1 पुट कर दीजिए, 1 माइनस 1 क्या बन जाएगा, ये 0 बन जाएगा, है ना। अब अपन इस साइड आ जाते हैं, x 1 से जस्ट छोटा है, स्लाइटली लेसर देन 1, x अगर 1 से छोटा है तो ये जो डिफरेंस है ये कैसा होगा, स्लाइटली नेगेटिव, और स्लाइटली नेगेटिव नंबर का जो सिग्नम होता है दैट नंबर दैट इज माइनस 1। तो सॉल्व करने पर माइनस मैंने बाहर ले लिया, लिमिट x गोज़ टू 1 माइनस x माइनस 1, है ना। और जब मैं x को 1 पुट करूँगा तो फिर से ये डिफरेंस कितना आ जाएगा, 0। तो ये दोनों यहाँ पर लिमिट मैच कर रही हैं, तो अपना कमेंट क्या हो जाएगा, लिमिट एग्जिस्ट करेगी और इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। चलिए अब एक लास्ट एग्जांपल और ले लेते हैं, लिमिट एक्स गोज टू 0 साइन इनवर्स इंटीग्रल पार्ट ऑफ sec x। नोटेशन ध्यान रखिए, दिस इज GIF, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ये लिमिट सॉल्व करनी है तो फिर से यार वही काम करना है अपने को, एक बार राइट से अटैक करना है, जो सिखाया है वही काम बार बार करते रहो, स्टेप्स सारी माइंड में सेट हो जाएंगी। एक बार राइट से अटैक और एक बार लेफ्ट से अटैक, 0 माइनस साइन इनवर्स sec x। फिर से यार ये जो सीन दिया है तो ये फिर से फंक्शन ऑफ फंक्शन, यानी x को आप कोई भी इनपुट दोगे, पहला अटैक sec पर होगा, ये एक नंबर बनेगा, उसका आप इंटीग्रल पार्ट लोगे और उसके बाद साइन इनवर्स लोगे, है ना। तो 0 पे सबसे पहला अटैक किसका हो रहा है, sec का। हमें ये देखना पड़ेगा कि 0 के जस्ट आगे sec का ग्राफ किस हाइट को टेंड करता है, तो एक बार sec का ग्राफ बना लेते हैं, है ना। अच्छा, sec के ग्राफ से ज़्यादा फैमिलियर होंगे नहीं, कई बार तो माइंड में रिकॉल ही नहीं करता, लेकिन cos का तो ग्राफ याद ही रहता है। तो आप एक काम करो, cos का ग्राफ बना लो, ये मैंने cos का ग्राफ बना लिया है ना, पूरा नहीं बनाया, थोड़ा सा जितना मतलब उतना बना लिया। cos का ग्राफ जहाँ पर एक्सिस को कट करता है वहाँ से वर्टिकल सपोर्टिंग लाइन बना लीजिए, है ना, यहाँ से कुछ लाइंस बना ली, यहाँ से भी सपोर्टिंग लाइन बना ली, ये जो अभी पिक्चर में आपको ग्राफ दिख रहा है बना हुआ, दिस इज द ग्राफ ऑफ cos x। लिया हमें किसका ग्राफ बनाना है, sec x का ग्राफ बनाना है, इसी ग्राफ को इन्वर्ट करना है। तो इस ग्राफ को इन्वर्ट करने के लिए एक काम करते हैं कि जो cos x का ग्राफ इस डॉटेड लाइन के नीचे आ रहा है तो नीचे वाले को ऊपर रिफ्लेक्ट कर दो। ये जो रेड कलर से ग्राफ बना रहा हूँ ये ग्राफ sec x का होता है, नीचे वाले को ऊपर रिफ्लेक्ट कर दो और ऊपर वाले को नीचे रिफ्लेक्ट कर दो, नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे, बहुत ही सिंपल अप्रोच है ग्राफ बनाए। तो रेड कलर से जो ग्राफ बना हुआ दिस इज द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू sec x, और जो येलो कलर से ग्राफ बना हुआ है दिस द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू cos x, है ना। कुछ पॉइंट मार्क कर दे, ये 0 है, ये जानते ही आप पाई बाई 2 है, ये माइनस पाई बाई 2 है, और ये जो हाइट आ रही है हाइट कितनी होती है, 1। चलिए अब अपन ओरिजिनल क्वेश्चन पर आते हैं। यहाँ पर लेफ्ट पार्ट में देखिए x कैसा है, 0 प्लस। तो x अगर 0 प्लस है तो 0 के जस्ट राइट में sec फंक्शन की हाइट देखिए, तो 0 के जस्ट राइट में sec फंक्शन के ग्राफ की हाइट देखेंगे तो ये 1 से जस्ट बड़ी होगी। कैसी होती है ये, 1 से जस्ट बड़ी, स्लाइटली ग्रेटर देन 1, है ना। लेकिन अब मुझे क्या करना है, इस नंबर का इंटीग्रल पार्ट लेना है, तो 1 से जस्ट बड़े नंबर का इंटीग्रल पार्ट क्या आएगा, एग्जैक्ट 1, क्या आएगा, एग्जैक्ट 1। और ये जो एग्जैक्ट 1 है ये साइन इनवर्स का इनपुट बनेगा, यानी लिमिट का आंसर आ गया साइन इनवर्स 1, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पाई बाई 2। सिमिलरली हम राइट साइड की बात करें, x गोज टू 0 माइनस साइन इनवर्स sec x, तो 0 के जस्ट पीछे देखिए, 0 के जस्ट पीछे sec x के ग्राफ को देखिए,
sec x अगर आप ये रहा रेड कलर वाला, जीरो के पीछे से जीरो की तरफ चलो, चलना किस पर है, रेड कलर वाले ग्राफ पर। तो देखिए फंक्शन की हाइट किसको टेंड करे, वन को, लेकिन वन से हल्की सी बड़ी है, वन प्लस टाइप की है। और अगर ये वन प्लस है तो इंटीग्रल पार्ट लेने के बाद ये फिर से क्या बन जाएगा, वन बन जाएगा। तो इधर से भी लिमिट क्या आ रही है, साइन इनवर्स वन, दैट इज़ पाई बाई टू। तो यहाँ पर भी लेफ्ट हैंड लिमिट भी पाई बाई टू है, राइट हैंड लिमिट भी पाई बाई टू है। तो फंक्शन की लिमिट का आंसर क्या आ जाएगा, पाई बाई टू, यानी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है और उसका आंसर क्या है, पाई बाई टू। ओके चलिए, बाकी लेक्चर अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे, आप इन सबको अच्छे से रिवाइज करिएगा। और कोई भी अगर इनकेस डाउट आता है तो उसकी इन्फॉर्मेशन आप मेरे को मेरे जीमेल अकाउंट पर भी दे सकते हैं। अभी मैं जीमेल अकाउंट आपसे शेयर कर देता हूँ, rastogi.rajeev0@gmail.com है ना।